हेलो दोस्त, नमस्कार। आज मैं आपको स्मार्ट एंड प्राइम प्लस MPPT सुपर चार्ज कंट्रोल के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, ये मेरा स्मार्ट एंड कंपनी का MPPT चार्ज कंट्रोलर है, जो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों पर चलता है। ये मुझे लगाए हुए लगभग 8 से 10 दिन हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छा चार्ज कंट्रोलर है। बैटरी की लाइफ एंड परफॉर्मेंस दोनों को अपने हिसाब से सेट करके फुल्ली चार्ज करता है और जो है बैटरी को सोलर पैनल से आने वाले जो वोल्ट हैं उसको एम्पीयर में ड्रॉप करके बैटरी को चार्ज करता है। तो अभी मैंने, आप देख सकते हैं, 12 वोल्ट की एक ही बैटरी लगा रखी है, ट्यूबलर बैटरी। तो आप चार्ज कंट्रोलर में देख सकते हैं कि चार्ज कंट्रोलर में ऑटोमेटेड डिटेक्ट कर लिया 12 वोल्ट 50 एम्पियर की कैपेसिटी वाला चार्ज कंट्रोलर है, जिसमें बैटरी चाहे ट्यूबलर बैटरी है। ऑटोमेटेड DOD 30% 12 वोल्ट की है और सोलर पावर अवेलेबल है, जो अभी सोलर से 4 एम्पियर आ रहे हैं और 4.3 एम्पियर से बैटरी चार्ज कर रहा है। ये इसलिए कि चार्ज बैटरी अभी फुल्ली चार्ज हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी चार्ज कंट्रोलर में फुल्ली चार्ज दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये जो मेरा सिस्टम है, सोलर सिस्टम, ये इससे मैं पूरा लोड चलाता हूँ। फुल्ली एक पैनल लगाया हुआ है और एक बैटरी 12 वोल्ट वाली और MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाया हुआ है स्मार्ट एंड कंपनी का, जिससे मैं अपने घर का सारा लोड चलाता हूँ। और शायद ये हो सकता है कि ऐसा पहला ही घर होगा जो फुल्ली सोलर पर डिपेंड हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे घर पर कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है और मैंने बिजली का कोई कनेक्शन भी नहीं रख रखा है। आप देख सकते हैं मेंस जो है का प्लग, आप देख सकते हैं कि मेंस का प्लग को मैंने लपेट कर लटका रखा है और इसमें स्मार्ट कंपनी के जो चार्ज कंट्रोलर, उसमें भी देख सकते हैं मेंस नॉट अवेलेबल दिखाएगा अभी, आप देख सकते हैं। तो अभी बैटरी टाइप दिखा रहा है, इसके बाद आएगा प्रेजेंट DOD और इसके बाद सोलर पावर अवेलेबल है। तो सोलर से 3.9 एम्पियर आ रहे हैं और 20.7 वोल्ट और 5.4 एम्पियर से चार्ज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं सेव एक यूनिट सेविंग की है और मेंस नॉट अवेलेबल, आप देख सकते हैं मेंस का मुझे यहाँ कोई भी किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं है, तो मेंस नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। आप नीचे भी देख सकते हैं मेंस पे मैंने कहीं पर कोई स्विच नहीं है, मैंने स्विच नहीं लगा रखा। आप यहाँ भी देख सकते हैं मेरे जो एल्यूमिनियस का इन्वर्टर है, जो नॉर्मल इन्वर्टर है, जिसका आप देख सकते हैं प्लग, आप देख सकते हैं ये पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे यहाँ कोई मेंस का ऑप्शन नहीं है, मेंस मेरे यहाँ नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मेरे घर का लोड चलता है, इन चारों प्लग से है, अगर कोई एक प्लग इस पर लगा हुआ है 5 पिन, बाकी 3 5 पिन एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं कि अगर कोई एक्स्ट्रा लोड चलाना है तो एक्स्ट्रा पिन भी मैं लगा सकता हूँ। तो ये जो MCB है ये डायरेक्ट सोलर पैनल से आई हुई है और ये वायर जाते हुए आप देख सकते हैं कंट्रोलर में गए हुए हैं, और ए वाले जो देख सकते हैं ए वायर इस MCB से होते हुए कंट्रोलर में आए हुए हैं बैटरी के। तो आप देख सकते हैं ए इनपुट है सोलर चार्ज कंट्रोलर में और ए आउटपुट है सोलर चार्ज कंट्रोलर का बैटरी में। तो आप देख सकते हैं बैटरी को कनेक्शन किए हुए हैं और इसके बाद है एल्यूमिनियस कंपनी का इन्वर्टर, जो नॉर्मल इन्वर्टर है, जो मैंने सोलर चार्ज कंट्रोलर से सोलर इन्वर्टर बनाया हुआ है नॉर्मल इन्वर्टर को। तो यहाँ से जो है AC आउटपुट है, तो यहाँ से इन्वर्टर से AC आउटपुट लेता हूँ और यहाँ से सोलर का DC आउटपुट इनपुट इसमें बैटरी को चार्ज करने के लिए देता हूँ। तो ये
स्मार्ट कंपनी का अभी जो नया वर्जन आया है ये बहुत ही अच्छा है, 12 वोल्ट 50 एम्पियर का। अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में बदलना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा चार्ज कंट्रोलर है जो 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों में आता है, जो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सी कितने 12 वोल्ट या 24 वोल्ट पे आपने बैटरी, अगर मैंने 24 वोल्ट डबल बैटरी को सीरीज करके लगाया होता तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता कि 24 वोल्ट की बैटरी लग चुकी है। तो अभी मैंने सिंगल बैटरी लगा रखी है इसलिए ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया। इसमें कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, कंपनी से पूरी सेटिंग आती है और ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है। तो मैं घर का जितना भी लोड है एसी पर चलाता हूँ, मतलब एसी करंट पर चलाता हूँ, और बाकी फैन वगैरह का लोड जो है मैं डीसी पर चलाता हूँ। डीसी तो आप देख सकते हैं ए वाले जो एक आप देख सकते हैं ये रेड वाली और ये ब्लैक वाली वायर बैटरी से आई है और ये डीसी वेस पर लिखा हुआ है डीसी लोड, तो ये ऑन है और ये चार्ज कंट्रोलर में गई हुई है। ये चार्ज कंट्रोलर मैंने इसलिए लगाया जिन सोलर का कि 12 वोल्ट ही आउटपुट दे, क्योंकि मैं 4 फैन डीसी का यूज करता हूँ जो डीसी करंट से चलते हैं। आप अभी मैं आपको डीसी से चलने वाले फैन भी दिखाऊंगा जो अंदर रूम में गई है। ए वाली वायर आप देख सकते हैं, ए वाली वायर, ये दोनों वायर डीसी लोड के लिए गई हैं। इससे मैं डीसी लोड चलाता हूँ जो जुपिटर कंपनी के डीसी फैन हैं, फुल्ली रिमोट से चलते हैं, स्मार्ट वाले हाइब्रिड एसी डीसी दोनों से चल जाते हैं, लेकिन मैं डीसी करंट से चलाता हूँ। तो अभी मैं फैन भी आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो है डीसी फैन है, मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये ऑन हो गया है। ये ऐसे फैन मैंने 4 फैन लगा रखे हैं 4 रूम में, आप देख सकते हैं ये फुल्ली स्टार्ट हो चुका है, फुल स्पीड पर चलने लगा है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सोलर से आने वाली वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ और भी कई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे तो इसलिए मैंने अपने स्मार्टन प्राइम प्लस MPPT सोलर PSU किट का मैंने वीडियो डाला है आप लोगों के लिए। और इससे पहले मैं PWM टेक्नोलॉजी वाला नेक्सस कंपनी का सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज करता था, जिसका मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है, जिसमें मैंने बताया कि क्या क्या सब वर्क करता है। और अगर आपको उसके बारे में देखना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा।